जय बाबा की। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल में। मैं हूँ अंकिता करौतिया और ये अंकेश हैं। इनका नाम है सिमरन। सिमरन ने मुझे Instagram पे मैसेज किया था। इन्होंने कहा था कि दीदी आपसे मिलना है और बात करनी है। इनकी जो प्रॉब्लम है इनके हस्बैंड को लेकर है। इनकी शादी को 1 साल हो गया है और इनका टाइम चल रहा है, प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है। 7-8 महीने इनको चल रहे हैं प्रेगनेंसी के। बट इस टाइम में इनके जो हस्बैंड हैं इनसे डाइवोर्स चाहते हैं क्योंकि वो किसी और लड़की से बात करते हैं और किसी और लड़की के साथ रहना चाहते हैं, तो इनसे डाइवोर्स चाहते हैं। तो ये चाहती हैं कि ऐसे टाइम पे, और ऐसे टाइम पे क्या शादी को 1 ही साल हुआ है, डाइवोर्स कैसे चाहती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये चाहती हैं कि जो भी है सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड मुझसे डाइवोर्स ना लें और हम अपनी लाइफ अच्छे से जिए जो भी। तो आप बताइए कि मतलब कैसे इनको किसी लड़की से बात करते हैं क्या? हाँ जी जी, हमारे बीच में पहले सब कुछ सही था लेकिन अब 5-6 महीने से इनकी लाइफ में कोई लड़की आ गई है। इसकी वजह से वो हम दोनों के बीच में मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और ये मुझे डाइवोर्स देना चाहते हैं। बट मैं इनको डाइवोर्स देना नहीं चाहती क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ हमारी लाइफ फिर से पहले की तरह हो जाए। तो मतलब आपकी जो शादी हुई है वो अरेंज हुई है या लव हुई? नहीं नहीं, हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई है। मेरी मम्मी पापा हैं, उनको भी पता, थोड़ा बहुत पता चल गया है। वो भी बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक मेरा भाई भी है, मतलब उसे शादीशुदा है वो, बट उसको हमारे से कोई मतलब नहीं, वो अलग रहता है अपना। अच्छा, तो अभी आपको मतलब किस किस को पता है कि ये डाइवोर्स लेना चाहते हैं? घर में पता है या आप दोनों के बीच में बात? नहीं, हम दोनों के बीच में है पर थोड़ा बहुत मम्मी को पता लग गया है मेरे बारे में, क्योंकि हम जाते हैं अपने घर पर जाती हूँ तो फ़ोन वोन करती हूँ तो उठाते नहीं, हमारी फ़ोन पर बात होती है तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो मम्मी सुन लेती है, तो थोड़ा बहुत मम्मी को मतलब पता लग गया है। तो अब मैं बताना नहीं चाहती मॉम डैड को, क्योंकि बीमार रहते हैं। मैं उनको बताऊंगी तो पता नहीं क्या फील करेंगे, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ कि उसका क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनको डाइवोर्स ना दूँ और फिर हम पहले की तरह लाइफ रहें। हाँ जी, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने हस्बैंड को कॉल कीजिए, बुलाइए, बात करते हैं उनसे, कीजिए कॉल उनको। तो अभी कहाँ हैं आपके हस्बैंड? अभी तो ऑफिस में है, मैं उनको फ़ोन करती हूँ। करिए, स्पीकर पे बात कीजिए। हाँ जी जी, हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो आप? नहीं, तुम फोन क्यों लगाई है ये बताओ पहले। बात करनी थी मुझे आपसे, इसलिए फोन किया आपको। बात करनी ना तुझसे? क्यों नहीं बात करनी? मैं आपकी वाइफ हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप मुझे? नहीं, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है। तू पहले तो तुझे फोन क्यों किया ये बता। मुझे आपसे बात करनी है, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, मेरे ना थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपसे मैं क्या करूँ, मैंने तुझे डिवोर्स देने को कहा, तू क्या कर रही है? डिवोर्स ऐसे ही बातें क्यों कर रहे हो? अपनी बेबी के बारे में तो कुछ सोच लो आप। नहीं, मुझे नहीं सोचना ना, मेरा बेबी नहीं है वो। क्यों, आपका क्यों नहीं है? जब आपकी शादी मेरे साथ हुई तो हमारा ही है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आप एक बार मेरे से मिलो, मिल के बात करो, प्लीज रिक्वेस्ट ही आपसे मुझे। कहाँ मिलना, मैं मिलूंगा ही नहीं पहली बार। क्यों नहीं मिलना, ऐसा थोड़ी होता है। मिलो आप मुझसे, फिर मैं डाइवोर्स ले लूँगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, आज ही मिलो, लास्ट बार आ जाओ आप। मैं लोकेशन भेज रही हूँ मैं आपको, आप आ जाओ। ठीक है, ये हस्बैंड है आपके, ये ऐसे बात करते हैं आपसे? जी, ऐसे बात करते हैं। देखिए, वो परेशान मत हो, आपके हस्बैंड को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो जो यहाँ कैमरा लगा रखा है ये मतलब सोशल मीडिया पे भी डालते हैं हम लोग, जो आगे इंसान को ये मिले सीख, आगे सीख मिले। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बच्चे और ज़्यादा ज़्यादा पूरी बात उगवाने की कोशिश करेंगे। जो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए, हम थाने में कंप्लेन भी कर सकते हैं, इसके फैमिली वालों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दीजिए आप अपने हस्बैंड को बात करते हैं, माइक रख लीजिए और वो कैमरा लगा रखा है, बताइएगा नहीं। ठीक है, बात कीजिए। A few moments later. बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को यहाँ पे? वैसे बुलाया था। हाँ? वैसे बुलाया था। ठीक हो आप? के लिए तैयार हो गई? नहीं, आप ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं डिवोर्स चाहिए मुझे, मैंने पेपर वगैरह बनवा लिए। ठीक है, डिवोर्स क्यों चाहिए आपको? मैं डिवोर्स नहीं दे सकती ना। मैं घर पे ठीक ना, और अपने मम्मी पापा को भी लेके रखू, तैयार रखू। ठीक है, मैं डिवोर्स दिलवाने ले चलूँगा तुझे, और मुझे वजह वैसे भी तेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपका।
ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी शादी की है, मर्जी से नहीं की है तो फिर की थी मैंने। हमारे बीच में जो भी हुआ इसकी क्या गलती है ये बताओ आप? नहीं, इसके मुझे क्या पता क्या गलती है, वो तो गलती तुम्हारी जो है। इस लाइफ में आया नहीं है उसके लिए तो सोचो। नहीं, मुझे कोई और ही पसंद है, ठीक है, मैं उसके पसंद है सही बात है, पर मेरी लाइफ का तो सोचो, मेरा क्या होगा, अपने बच्चे के बारे में क्या करूँ? तुम सोचो, तुम्हारा बच्चा है, मेरा लास्ट मोमेंट चल रहा है इस टाइम, लेडीज को खुश रहना चाहिए, आप मुझे ऐसी बातें बोल रहे हो? मुझे नहीं पता ना तुम्हारे साथ क्या है क्या नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे हस्बैंड हो आप, ऐसी मुझे वो सब नहीं सुनना, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी, है मुझे आपके साथ रहना है, अपने बच्चे के साथ। डिवोर्स नहीं देगी तू है? क्यों यहाँ भी नाटक की गाड़ी बैठ जाए, ठीक है ना? और क्या डिवोर्स नहीं देगी? डिवोर्स नहीं देगी बताइयो? नहीं दूंगी मैं डिवोर्स। क्यों नहीं देगी? मैं नहीं चाहती ना, मैं आपके साथ नहीं, रहना पर चाहती मैं तो चाहता हूँ ना डिवोर्स लेना। मैं चाहती हूँ हमारी छोटी सी फैमिली और बेबी के साथ, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। साथ नहीं रहना ना, मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, ऐसा मत बोलो आप, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के। मैं बता रहा हूँ अभी मेरा मूड खराब हो जाएगा, ठीक है ना? एक तो बाहर में बुला के ड्रामे करा रही है, मैं आपसे मिलने इतने टाइम बाद मेरे से मिल रहे हो, बेबी के बारे में आपने एक बार भी नहीं पूछा, आप डिवोर्स की बात पहले कर रहे हो। जब तुझसे इंटरेस्ट नहीं तो तेरे बेबी का क्या करूँगा मैं? तो मैं, ये मेरी गलती है, फिर ये बताओ आप क्या करूँ? गलती है जब मैंने कहा था तुझे उस समय कि नहीं रहना मुझे तेरे साथ, इंटरेस्ट नहीं, फिर भी तू इंटरेस्ट नहीं था आपको मेरे साथ, फिर आपने शादी क्यों की मेरे से? उस टाइम मना कर देते ना, मेरी भी लाइफ खराब कर रहे हो, इस बच्चे की भी लाइफ खराब कर रहे हो आप, इसका क्या होगा ये बताओ आप? तो पहले भी तो लव करती थी दूसरे लड़के को, क्या पता उसका बेबी हो? देखो मैं, अगर मैं लव करती तो फिर मैं आपसे शादी क्यों करती, ये बताओ आप? तो मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था, समझने की कोशिश करो कम से कम, बेबी के बारे में तो सोचो आप। मुझे नहीं करना सोचना, और मैं कह रहा हूँ आज के बाद ना मिल मत लियो, ठीक है? आज शाम में मैं डिवोर्स लेके तेरे से अलग हो जाऊंगा। ऐसा मत करो प्लीज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी मैं किसी और के साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे तेरे साथ नहीं रहना। ऐसा मत बोलो प्लीज। ऐसा क्या देख यार, नाटक मत दिखा, ठीक ना? घर पे भी बात कर सकती थी, यहाँ पार्क में पता नहीं क्या बुला रही, बुला के रखा है। वैसे मैं देख, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बेबी के बारे में सोच लो, ऐसा मत बोलो ना आप, कैसे बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कम से कम इस बच्चे के बारे में सोचो जो लाइफ में आया नहीं है, उसके बारे में बोल रहे हो आप, उसकी क्या गलती है ये बताओ? तो बच्चे का मैं क्या करूँगा? तो हमारी लाइफ सही चल रही है ना, उस लड़की ने क्या पता कल को छोड़ के किसी और कोई मिल जाएगा, फिर क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा? अरे हम जब डिवोर्स कर लेंगे तो अभी क्या बनेगा बात का, तो इसको क्या बोलूंगी ये बताओ, बच्चे को क्या जवाब दूंगी, इसके पापा के बारे में क्या बताऊंगी ये बताओ, ये पूछेगा? तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेना चाहिए था जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, मैं कहाँ शादी कर लूँ, मैं तो आपको पसंद करती हूँ, तभी तो मैंने आपसे शादी मेरे घर वालों ने कराई थी, मैंने आपको पसंद कर लिया था। मुझे तुम्हें पसंद नहीं थी तुम शुरू से ही, तो फिर मना करते ना, फिर बेबी की वजह से आप क्यों ऐसा कर रहे हो, कोई बेबी की प्रॉब्लम है आपको ये बताओ? देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ नाटक क्या कर रहे हो? पहले बैठ, ठीक है ना? यहाँ पे भी ड्रामा चालू कर रही है, मत करो प्लीज। मैंने तुझे कह दिया ना, आज मुझे चाहिए तो चाहिए डिवोर्स, कुछ भी हो जाए। नहीं ऐसा मत बोलो, तुझे मैं समझा रहा हूँ, मत करो ना प्लीज, मत करो, ऐसा कर रही है। देख मैं तुझे आराम से समझा रहा हूँ, तेरे घर वालों को भी कह दिया मैंने, फिर मान क्यों नहीं रही है? ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे मैंने हो गया, तुझे कहते कहते तुझे एक शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी कि मुझे डिवोर्स देना है? मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं क्या करूं, तेरा चल रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है, तो बच्चा तो आपका ही है, फिर मैं क्या करूं बताओ, कहां जाऊं लेके इसको, कहां जाऊं ये बताओ? चाहिए अभी बच्चा, चाहने ना चाहने से क्या होगा, लास्ट मंथ है, ऐसी बातें बोल रहे हो? पहले ये तो पहले कुछ भी कर, पर मुझे लास्ट मंथ में कौन सा वोशन होता है आप बताओ, कौन सा वोशन कराऊं मैं? मुझे वो सब नहीं पता, बस मुझे तेरे साथ नहीं रहना। ऐसा मत करो प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, तुझे समझ नहीं आ रही ऐसा मत, समझ नहीं आ रही है मेरे पैन और, ऐसा मत करो प्लीज। जब कह रहा हूँ तुझे छिड़ने का मन नहीं किया यहाँ पे बुला के, नहीं पता तुझे बाहर में भी, जब मैं तुझे इतने दिन से समझा रहा हूँ तू समझ क्यों नहीं रही है? नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मेरे पेन हो रहा है, ऐसा मत करो प्लीज, बैठ जाओ प्लीज, रिलैक्स होकर बात करो ना। तो मैं क्या करूँ, इतने तेरा पेन हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज बैठ जाओ प्लीज, बैठ के बात कर सकता हूँ ना, प्लीज समझो ना, समझो। मैं बैठ रहा हूँ, तू बैठ, बैठ पहले बैठ। नहीं है पता, नहीं करेगी डिवोर्स अभी भी। देख मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत मारता हूँ, तुझे पता है ना फिर मेरा गुस्सा। देख मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, नहीं जाना यार, मैं जा रहा हूँ, प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, छोड़, अरे क्या समझ रखा है, नहीं जाना तू मुझे, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, क्या समझ रखा है मुझे? कौन है? मेरे बैठो 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 आराम से।
तेरा क्या मामला है? कौन है? कौन है तेरी? कौन है? कौन है? कोई नहीं है वो मेरे। और तूने किन्हें बुला रखा है? कोई नहीं लग रहा इसका आदमी नहीं है उसका शादी नहीं करी छोड़ दो बता रहा हूँ जितना पूछो ये सब दे क्या लगेगा क्या लगेगा नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है और तूने इन्हें बुला रखा है हाँ बुला रखा है कोनी कोनी मार वो साले अरे लड़कियाँ तो नहीं मरे क्या करेगा लड़की क्या करेगा हाँ तो नहीं करेगा हाँ तो नहीं आ मम्मी यही बात है आ मम्मा ओए आ मम्मा आ मम्मा मर गई मम्मा मर गई मेरी बहन से जाओ ऐसा करे मम्मा मर गई आ इसे तो जानते मम्मा मम्मा चलो मम्मा